शुभ चिंतक धर्मराज की जय हो। अब तो आपने धर्म की शक्ति देखी देवराज। धर्म के एक ही प्रहार ने अधर्म को ध्वस्त करके भाग जाने पर विवश कर दिया। अब तो आप देव देवेश्वर भगवान नारायण के हृदय से जन्मे धर्म की महान शक्ति को स्वीकार करें। हम धर्म की शक्ति को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे वरुण देव, जब तक धर्म अपनी दिव्य धार्मिक शक्ति से देव शत्रु दैत्य और दानवों सहित अधर्म का सदा सदा के लिए नाश नहीं कर देते। धर्म के लिए स्वर्गाधिपति इंद्र का विश्वास जीतना कठिन है, किंतु जब तक स्वर्ग और पृथ्वी के सभी संकट समाप्त नहीं हो जाते, तब तक मैं धर्म की शक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। दैत्य और दानवों का समूल नाश कभी भी नहीं होगा देवराज, वे भी हमारे ही समान भगवान नारायण की सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। दैत्य और दानव पाताल के अंधकार में अचेत पड़े रहे तो मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा, किंतु अधर्म के उकसाने पर बार बार वो हमारे विरुद्ध सर उठाने का दुस्साहस करते हैं, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जिस प्रकार अंधकार और प्रकाश में संघर्ष चलता रहता है, उसी प्रकार देव और दानवों का संघर्ष भी चलता ही रहेगा देवराज। इस संघर्ष को समाप्त करना ही होगा, जिससे पृथ्वी और स्वर्ग में सदा सदा मेरी ही जय जयकार होती रहे। पृथ्वी के सभी यज्ञकर्ता ऋषि मुनि, हम देवताओं को अपने यज्ञ की शक्ति प्रदान करके हमारी सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार करें। क्षमा करें देवराज, संसार में सर्वोच्च सत्ता तो त्रिदेवों की है, हम देवताओं को सर्वोच्च बनने का मोह करना अनुचित है। हाँ देवराज, ये मोह हमारे पतन का कारण बन सकता है। मुझे परामर्श देने की चेष्टा ना करो, तुम सब मेरे दास हो, मेरे गुरु नहीं, मेरे परामर्शदाता भी नहीं। हमारी कृपा का अनुचित अर्थ ना निकालो देवताओं, ये तो हमारी महानता है कि हमने तुम्हें अपने समान अधिकार दे रखे हैं। देवराज, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है पवनदेव, इसी समय मेरी आज्ञा का सम्मान करते हुए तुम सब संसार के समस्त दैत्य और दानवों का नाश करने के लिए धर्म से प्राप्त अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करो। अब दिव्य शक्तियों के प्रयोग की तनिक भी आवश्यकता नहीं है देवराज, बेचारे दैत्य और दानव हमसे परास्त होकर पहले ही समुद्र जल में डूब जाने को विवश हो गए हैं। धर्म की शक्ति के सामने अधर्म भाग खड़ा हुआ है। सावधान! सावधान करने पर भी दुष्ट दैत्यों की भांति तुम सब मुझे परामर्श देने का दुस्साहस कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। पवनदेव, अपने मुंह से वायु प्रकट कर समुद्र का सारा जल उड़ा दो। अग्निदेव, भयंकर अग्नि की ज्वालाएं उत्पन्न कर समुद्र में छुपे दैत्य और दानवों को भस्म कर राख बना डालो। उस राख को पवनदेव उड़ाकर समाप्त कर देंगे। कदापि नहीं देवराज। देवराज, देव देवेश्वर भगवान नारायण के संसार में समुद्र को भी देवता का आदरणीय स्थान प्राप्त है, हम समुद्र देवता का अपमान नहीं करेंगे। देवराज, समुद्र के जल में असंख्य जलचर मछली मगर आदि जीव निवास करते हैं, हम उन जीवों की हत्या का पाप नहीं करेंगे, ये कार्य धर्म के विरुद्ध होगा। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र के आदेश को ठुकरा कर तुम दोनों ने अपने सर्वनाश को न्योता दिया है, मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुम दोनों इंद्रद्रोही इसी समय शक्तिहीन और निराकार बनकर इस कुंभ में समा जाओ और इससे कदापि बाहर न निकल पाओ। जाओ। हे
देवराज, देवराज ये आपने उचित नहीं किया। हमारे कार्यों में उचित और अनुचित ढूंढने की भूल आप भी ना करें वरुण देव। हमसे विद्रोह का परिणाम आप देख ही रहे हैं। अब अपने भविष्य की चिंता करते हुए हमसे दया की भीख मांगे। यह क्या हो गया मित्रों? वास्तविक अधर्म दैत्य दानवों के साथ नहीं, हमारे देवराज इंद्र के भीतर समाया है। हे देव देवेश्वर, भगवान नारायण संकट की इस घड़ी में हम पर दया करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। वरुण देव प्रणाम। देवर्षि वरुण देव, देवराज इंद्र के दुष्कर्म पर इस प्रकार दुखी न हो आप। दूसरों के अहंकार को दंडित करने वाले हमारे देवराज स्वयं कितने अहंकारी हैं देवर्षि। समझ में नहीं आता देवर्षि कि जिस व्यक्ति ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ये इंद्र का पद प्राप्त किया हो, वे अपनी ही इंद्रियों के सामने पराजित क्यों हो जाते हैं। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार का, देव और दानवों का संघर्ष अनिवार्य है, उसी प्रकार इंद्र और इंद्रियों का संघर्ष चलता ही रहता है। नारायण नारायण, इसे भी आप भगवान नारायण की लीला का एक रूप ही समझें, इसका परिणाम शुभ ही होगा। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। देव देवेश्वर नारायण, आप अपनी योग निद्रा में लीन रहते हुए भी संसार के कण कण का ज्ञान रखते हैं। महाप्रभु, आपने स्वयं ये देखा होगा कि देवराज इंद्र ने धर्म से प्राप्त दिव्य शक्तियों का अपने साथी देवताओं पर कितना अनुचित प्रयोग किया है। देव देवेश्वर, निर्दोष पवन देव और अग्नि देव की शाप मुक्ति परम आवश्यक है। हम सब यही प्रार्थना लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। नारायण नारायण। ओम नमो नारायण। ऐसा प्रतीत होता है देव ऋषि, आप भी आदरणीय सप्तऋषियों का साथ देने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। नारायण नारायण। देव ऋषि, देवराज इंद्र द्वारा शापित अग्निदेव और पवन देव के साथ हुए अन्याय ने आपको भी दुख पहुंचाया होगा। उनकी शाप मुक्ति के लिए हमने महाप्रभु से प्रार्थना की है। ऋषिवर वशिष्ठ, इंद्र ने निर्दोष देवताओं के विरुद्ध जो अन्याय किया है उसे न्याय में बदलने के लिए हमें आप सहयोग प्रदान करें। आपके कार्यों में सहयोग प्रदान करना मेरा सौभाग्य है महाप्रभु। ऋषिवर, शापित पवन देव और अग्निदेव को जिस कुंभ में बंदी बनाया गया है उसमें आपको भी अदृश्य रूप से प्रवेश करना होगा। हे सच्चिदानंद, मैं आपके आदेश का अवश्य ही पालन करूंगा, परंतु क्या इससे अग्निदेव और पवन देव को शाप से मुक्ति मिल जाएगी? ऋषिवर,
इंद्र ने अपनी शाप शक्ति का दुरुपयोग किया है। ये तो आपने स्वयं ही कहा है। आपके अदृश्य रूप से कुंभ में प्रवेश का उद्देश्य उन दोनों देवताओं की शाप मुक्ति से कहीं अधिक है। वो उद्देश्य क्या है ये जानने के लिए हम सब अत्यंत उत्सुक हैं। हमारे लीलावतार नारद, तुम में जन्मजात ये शक्ति है कि तुम भविष्य में घटित होने वाली हर घटना को साक्षात देख सको। यही शक्ति सप्तऋषियों में भी है, परंतु हम आप सब से अनुरोध करते हैं कि इस समय भविष्य को दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयास ना करें। जो कुछ भी होगा उसे हमारी इच्छा पर छोड़कर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। जो आपकी इच्छा पर निर्भर हो उसका तो कल्याण ही होगा देव देवेश्वर। नारायण नारायण। हे जगदाधार, मैं आपके आदेश को कार्य रूप देने जा रहा हूँ। मुझे अपना कृपा आशीर्वाद प्रदान करें। आप अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे ऋषिवर। ओम नमो नारायण। 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 हम सच्चिदानंद की आज्ञा का सम्मान करते हुए अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, हम ये देखने का प्रयास नहीं करेंगे कि महाप्रभु की इच्छा से इस समय कुंभ के भीतर क्या घटित हो रहा है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम 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 नमो नारायण।
ज्येष्ठ भ्राता अगस्त्य ऋषि कुंभ में से पहले प्रकट होने के कारण और कुंभज होने के नाते आप मेरे बड़े भैया हैं। आपकी उत्पत्ति देव देवेश्वर भगवान नारायण की इच्छा और आदेश से हुई है। ऋषिवर वशिष्ठ, ये मेरी शाप शक्ति का घोर अपमान है। धर्म के द्वारा प्रदान की गई दिव्यता का आपने उपहास उड़ाया है। अब संसार में मेरे शाप और वरदान की शक्ति पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये भगवान नारायण का न्याय है। दया निधान नारायण ने आपके अनुचित कार्य का अंत किया है। कुंभ से प्रकट होने वाले अगस्त्य ऋषि, आप देवताओं की सहायता और कल्याण के लिए ही प्रकट हुए हैं। भैया वशिष्ठ, आपने कुंभ में प्रवेश करके हमें प्रकट होने का मार्ग दिखाया। हम इसके लिए आपके सदा कृतज्ञ रहेंगे। चलें, हम दोनों देव देवेश्वर भगवान नारायण की सेवा में चलें। मुझे संतुष्ट किए बिना आप अदृश्य क्यों हो गए ऋषिवर वशिष्ठ? देवराज इंद्र, आप बैकुंठ लोक के दर्शन के लिए उत्सुक थे, तो जाएं, ऋषिवर वशिष्ठ और ऋषिवर अगस्त के पीछे पीछे बैकुंठ लोक जाएं। इससे अच्छा अवसर आपको फिर नहीं मिलेगा। देवर्षि, देव देवेश्वर भगवान नारायण की कृपा से पवन देव और अग्नि देव की शाप मुक्ति हुई। अब हम सब नक्षत्र लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। ओम नमो नारायण। मित्रों, तुमसे मिलकर मैं अति प्रसन्न हुआ। बोलो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। पवन देव, अग्निदेव, आप इसी समय स्वर्ग लोक जाकर देव गुरु बृहस्पति की शरण लें। देवराज इंद्र के क्रोध से वे ही आपकी रक्षा करेंगे। आपके परामर्श के लिए धन्यवाद देव ऋषि। हम देव गुरु से अवश्य भेंट करेंगे। ओम नमो नारायण। सावधान दैत्य दानवो, सावधान! मैंने तुम्हारे पाताल लोक लौटने के मार्ग बंद कर दिए हैं। यदि तुम वहां गए तो कभी भी लौट कर ऊपर नहीं आ सकोगे। अब तो मानव और देवताओं के विरुद्ध अपनी दानवी शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश हो। ओम नमो नारायण। धर्म, अपने अपमान का प्रतिशोध तुझसे अधर्म अवश्य लेगा। सावधान धर्म, सावधान! अपने अपमान का प्रतिशोध तुझसे अधर्म अवश्य लेगा। सावधान धर्म, सावधान! धर्म को सावधान करके अधर्म संतुष्ट हो गया। किंतु असंतुष्ट इंद्र के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ऋषि वशिष्ठ ने उसकी शाप शक्ति को कैसे अपमानित किया और पवनदेव और अग्निदेव को क्यों मुक्त कराया। अपने ही प्रश्नों के भंवर में उलझा इंद्र उत्तर पाने के लिए व्याकुल था। उसने कूटनीति का प्रयोग करते हुए अगस्त्य, वशिष्ठ व नारद के साथ वैकुंठ लोक में प्रवेश किया। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ऋषिवर वशिष्ठ, आपने सप्तऋषियों का महान चरित्र निभाते हुए ऋषिवर अगस्त्य का छोटा भाई बनना स्वीकार किया। आपका ये कार्य प्रशंसा के योग्य है। मेरा कार्य नहीं, आपकी लीला प्रशंसा के योग्य है सच्चिदानंद। अग्निदेव,
एवं पवन देव को शाप मुक्त करवाने के लिए आपने मुझे अपनी लीला का माध्यम बनाया। मैं धन्य हुआ महाप्रभु। हे देव देवेश्वर, संसार में अगस्त ऋषि जैसी दिव्यात्माओं को पाकर धन्य तो मैं भी हुआ हूं, किंतु रुक क्यों गए देव राजेंद्र? अपनी बात कहें। हे बैकुंठनाथ, ऋषि और वशिष्ठ ने मेरी शाप शक्ति का अपमान करने के लिए पवन देव और अग्निदेव को फिर से जीवित करके अनुग्रहित किया है। अपने क्रोध को शांत करें देवराज। न्याय की यही पुकार थी कि क्रोध में आकर आपने जो अन्याय पवन देव और अग्निदेव के विरुद्ध किया था उसका अंत हो। मैं कुछ समझा नहीं महाप्रभु। हमारी इस लीला का अर्थ आपको कुछ ही देर में समझ आ जाएगा। चकित होने की आवश्यकता नहीं है देवराज। ऋषिवर वशिष्ठ और महर्षि अगस्त्य ने आपकी सहायता के लिए ही यह कार्य किया है। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं देव देवेश्वर? देवराज इंद्र की सहायता के लिए? महर्षि अगस्त्य, आप अपनी दिव्य शक्ति से समुद्र का समस्त जल खींचकर अपने उदर में भर लें, जिससे समुद्र में छिपे दैत्य और दानवों को पाताल लोक में जाकर छुप जाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग न बचे। किंतु महाप्रभु, अधर्म ने दैत्य और दानवों के पाताल जाने का मार्ग बंद कर दिया है। उसकी चिंता आप ना करें देवऋषि। अधर्म ने जो अनुचित कार्य किया है उसका परिमार्जन करना धर्म का कर्तव्य है। नारायण नारायण। महाप्रभु, मुझे अपना कृपा आशीर्वाद प्रदान करें जिससे मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। महर्षि अगस्त्य, निष्ठा से किया हुआ कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता। आपका कल्याण हो। ओम नमो नारायण। पाताल वासियों, ठहर जाइए दैतराज। दुष्ट अधर्म ने पाताल जाने वाले मार्ग को बंद करने के लिए भयानक ज्वालाएं प्रकट की है, वो देखिए दैतराज। अब हम कहां जाएं दैतराज? अब हम समुद्र को ही अपना निवास स्थान बनाएंगे। सावधान दुष्ट असुर, समुद्र के पावन जल को आप अपना निवास न बनाए। समुद्र देव, एक ओर तो हम देवताओं के द्वारा तथा दूसरी ओर अधर्म के द्वारा पीड़ित किए गए हैं। अधर्म ने हमारे पाताल जाने के मार्ग बंद कर दिए हैं, और यदि हम बाहर जाएंगे तो दैत्य शत्रु देवता हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें अपना निवास स्थान इसी समुद्र में ही बनाने दे। नहीं, समुद्र दैत्य और दानवों को आश्रय स्थल नहीं दे सकता। दैत्य और दानवों के कारण समुद्र का पावन जल दूषित हो जाएगा। तो हम कहां जाएंगे समुद्र देव? ये सोचना हमारा काम नहीं है। तुम्हें जहां जाना है जाओ। हमारी प्रार्थना का अनुचित अर्थ ना लगाओ समुद्र देव। हम दैत्य हैं, दानव हैं। तुम दैत्य हो दानव हो तो पाताल में जाकर रहो। हम यही रहेंगे इसी समुद्र में। तुम हमारा क्या कर लोगे? आप तू मेरे प्रहार से जीवित नहीं बच सकता। नहीं समुद्र देव, नहीं। पाताल वासी दैत्य दानवों को नष्ट न कर। देव देवेश्वर भगवान नारायण ने दैत्य और दानवों को समुद्र से बाहर निकालने का आदेश दे दिया है। धर्म, आप यहाँ, आपके श्रीमुख से भगवान नारायण के आदेश का ज्ञान हुआ। पधारे, इस समुद्र महल में पधार कर हमें धन्य करें। समुद्र देव, भगवान नारायण की लीला का प्रारंभ हो गया है। महर्षि अगस्त्य भगवान नारायण की आज्ञा से समुद्र के समीप प्रकट हो गए हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम
धन्य है आप भगवान नारायण, धन्य है। मेरे शत्रुओं को इतनी सरलता से मेरे सामने लाकर खा कर दिया। वज्र प्रकट हो। धन्य है आप भगवान नारायण, धन्य है। मेरे शत्रुओं को इतनी सरलता से मेरे सामने लाकर खा कर दिया। वज्र प्रकट हो। अब इन दैत्य दानवों को मेरे वज्र प्रहार से संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। ठहरे देवराज, ठहरे। दैत्य और दानवों को पाताल लोक में ही सीमित करने के लिए महाप्रभु ने ये लीला रचाई है। दैत्य और दानवों को मारकर आप महाप्रभु की इच्छा का अपमान करेंगे। धर्म, तुम सब के आड़े क्यों आते हो? यदि धर्म आड़े ना आता देवराज, तो आप देवराज इंद्र नहीं, इन्हीं दैत्य दानवों के समान होते। नारायण नारायण। सावधान देवराज, यदि आपने धर्म का अपमान किया तो धर्म से प्राप्त आपकी दिव्य शक्तियां समाप्त हो जाएं। प्रणाम देवर्षि नारद। दृष्टासुर अधर्म द्वारा उत्तेजित होकर किए गए अपने कार्यों का परिणाम तुम देख ही रहे। अधर्म ने दैत्य और दानवों के अपमान का भयानक खेल खेला है। आप हमारी रक्षा करें धर्म। तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही हम यहाँ प्रकट हुए हैं दृष्टासुर। हम तुम्हारे लिए पाताल लोक के बंद द्वार खोल देंगे, किंतु तुम वचन दो कि अब तुम पाताल लोक से बाहर आने का दुस्साहस नहीं करोगे। हम सबको आप पर पूर्ण विश्वास है धर्म। हम वचन देते हैं कि अब हम कभी पाताल से बाहर नहीं निकलेंगे। धर्म के द्वारा दिखाए गए इस मार्ग को स्वीकार करना संसार के हर प्राणी के लिए उचित है। धर्म, आपने संकट की घड़ी में दैत्य और दानवों की जो सहायता की है, आपकी इस कृपा का मूल्य दैत्य और दानव कभी भी नहीं चुका पाएंगे। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। ओम नमो नारायण। 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 वही देख रहे हैं देव ऋषि जो हम देख रहे हैं। नारायण नारायण। देवगण, देव देवेश्वर भगवान नारायण की आराधना करना सबसे महान पुण्य का कार्य है, किंतु समझ में नहीं आता कि समुद्रदेव महर्षि अगस्त के उदर में भगवान नारायण की आराधना किस उद्देश्य से कर रहे हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण नारायण। ओम नमो नारायण।
हम सब आपके इस विराट कार्य के लिए आपको शत शत धन्यवाद देते हैं। महर्षि अगस्त्य, आपका यह चमत्कारी कार्य देखकर हमारा जीवन धन्य हो गया। हम सब तो निमित्त मात्र हैं, कर्ता तो वो है देव देवेश्वर भगवान नारायण, जिन्हें अपनी सृष्टि के कण कण की चिंता रहती है। दैत्य और दानवों का उद्धार करने के लिए ही उन्होंने इस चमत्कारी लीला की रचना की। ओम नमो नारायण, 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 समुद्रदेव। सच्चिदानंद नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। समुद्रदेव, आपको उद्रस्त करने वाले महर्षि अगस्त्य ने तो आपको पूर्ववत स्वतंत्र कर दिया है, क्या इच्छा है? हे महाप्रभु, मेरी प्रार्थना पर आपने साक्षात दर्शन दिए, मुझ पर महान कृपा की है। हे देव देवेश्वर, दैत्यों और दानवों के कारण समुद्र का पावन जल दूषित हो गया है, मेरी सभी संपत्ति और निधियां नष्ट हो गई हैं। अब समुद्र का जल पहले जैसा पावन नहीं रहा। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अलौकिक रत्नों और दिव्य संतान का वरदान। समुद्र देव, आपको आपका इच्छित वरदान अवश्य मिलेगा, परंतु वरदान से प्राप्त रत्नों पर आपका अधिकार नहीं रहेगा। मैं कुछ समझा नहीं जगतपालक। हमारे वरदान से प्राप्त रत्न आपके साथ किसी की धरोहर बनकर रहेंगे, और समय आने पर आपको उनका सहर्ष त्याग करना होगा। आप तो कारणों के भी कारण हैं महाप्रभु, आपकी रहस्यमय भाषा का अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। समुद्रदेव, आपको दिए गए इस वरदान का संबंध मेरे भावी अवतारों से है। मेरे नारायण तत्व से अभिन्न महादेवी लक्ष्मी भी आपकी सुपुत्री के रूप में समुद्र के जल से प्रकट होंगी। हमारा वरदान शीघ्र फलित होगा, आपका कल्याण हो। ओम नमो नारायण।